गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू क्लास और नया चैप्टर होगा आज बेटा। आज 11 बायो का नया चैप्टर होगा और नए चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ए टू जेड सारा क्वेश्चन कराया जाएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होगा। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए बेटा, जल्दी से जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बताइए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे मुनेरा तक, तो ज़्यादा टॉपिक पढ़ना है तो इसलिए समय को नहीं खराब करेंगे। आवाज़ वाज आ रही है? सभी लोग कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से बताओ आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? जल्दी से कमेंट करके बताइए जी, जल्दी से कमेंट करो। हाँ नमस्ते साहिल, ओके सोनी सिंह, चलिए हाँ यूवी गर्ल, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, ओके सभी लोग ठीक ठाक हैं। चलिए आगे पढ़ाया जाए। एक एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी के पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा और सारा क्वेश्चन आप लोग को फोकस करना है। अगर भविष्य में आगे एग्जाम देना है तो चुपचाप आप लोगों को समझना होगा और वही बाद में क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी एक बच्चा मुझसे पूछा कि पिछली बार उसने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था रेलवे वाला, तो कहे कि पूछा कहे सर जानते हैं सबसे ज़्यादा हमारा जो है मैं साइंस में नंबर जो है ख़त्म हो गया, इसलिए हम भी नहीं सिलेक्शन पा पाए। तो आप सोचिए, ठीक है, वो लड़का बीएड वेड कर चुका है और उसकी साइंस कमज़ोर है, क्योंकि क्योंकि अगर आप यहीं से आप ध्यान फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो कम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा प्रतियोगिता में भी पूछा जाता है, आप कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला, और क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी से ही बनता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ हम ठीक हैं बेटा, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर चल रहा है बेटा, दूसरा चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। सिंपल बहुत है, जीव जीव मतलब होता है पौधे और जंतु, सबको पता है पौधे एवं जंतु, ठीक है ना। प्लांट और एनिमल, इनका वर्गीकरण किया गया, कैसे किया गया, कौन किया, कैसे हुआ, ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम वर्गीकरण के हिसाब से देखिए, बहुत सिंपल, एकदम हम लोग सिंपल तरीके से इसलिए समझेंगे क्योंकि आज से नहीं, आज कोई वर्गीकरण नहीं हो रहा है, ठीक है। मनुष्य जो जब वो मानव के रूप में, आदि मानव के रूप में जी रहा था, तभी वस्तुओं को वर्गीकृत करना चाहा, अर्थात वो बांटते थे। आज भी हम लोग बहुत सारे जीव जंतुओं को बांटते हैं और उनका बांटने का जो काम है, उनका बांटने का जो काम है उसके अध्ययन करना, सही तरीके से उस पर समझने की बात होती है बेटा। जैसे किसी का नाम, हम लोग किसी का नाम लेते हैं तो नाम क्यों लेते हैं? अगर हम कहें मनुष्य है तो मनुष्य नाम बोल दो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जब उस किसी का नाम लेते हैं या किसी को पढ़ने, जैसे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे नाम सुने जंतु, तो आपके मन में क्या चलता है? अगर हम कहें पेड़ पौधे और जंतु, तो मन में ये बात चली कि पेड़ पौधे नॉन लोकोमोशन करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। जबकि अगर हम लिखे जंतु, तो जंतु के मतलब ये होगा कि वो पेड़ पौधे नहीं होगा, कंपेयर टू ब्रेन, ब्रेन तुरंत जो है कंपेयर कर लेता है उस चीज को, करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो अगर हम देखें तो आज से नहीं, बहुत पहले से ही हम लोग जीव जंतुओं को बांटते थे, ठीक है ना, उनके उनकी आवश्यकता या अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम जीव जंतुओं को बांटते थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए इनकी पूरी कहानी, एक एक पॉइंट पे आप लोग फोकस करिएगा। कह रहे सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव, सभ्यता मतलब सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव, सभ्यता मतलब जब मनुष्य, जब मनुष्य पहले कैसे जीता था, एक जानवर था,
संस्कृति और सभ्यता, जब मनुष्य को ये लगा कि हम कौन हैं, सभ्यताएं आई, घर बना के रहने लगे, रिश्ता समझने लगे, ठीक है, एक कुल में रहने लगे, जब अन्य जंतुओं को समझने लगे, ठीक है, तो उसे कहें सभ्यता के प्रारंभ से। जैसे ही बहुत सारे देखिए सभ्यताएं, मिस्र डुलानिया और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, तो बहुत सारी सभ्यता आई, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक है, तो बहुत सारी सभ्यताएं आई और विलुप्त होती गई, फिर आई फिर विलुप्त, ऐसे देखिए तो बताया गया कि बहुत सारी सभ्यता आई, ठीक है, और वो क्या की, उन सभ्यताओं में क्या हुआ, बहुत सारी खोज हुई, बहुत सारे हम लोग बात जान पाए। तो कहे सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों, ठीक है, जो जीवित प्राणी हैं, के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। पहले से ही लोग जो है प्रयास कर चुके हैं उनको बांटने का। तो देखिए प्रयास क्या किया, वैज्ञानिक मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसे समान उपयोगिता, ये वैज्ञानिक की दृष्टि की तरह, मतलब ये बांटते नहीं थे, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से ये मापदंड अपनाए थे, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है, ठीक है, आगे कहता है कि उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। कहना के मनुष्य जो है, अरस्तु ने सर्वप्रथम जो है बांटने की कोशिश किए, और वो किस बेस पर किए, किस आधार पे किए, तो ये बताया गया कि जैसे अगर आप लोग सोचिए कि आप लोग कहीं पे चले जाए, कुछ ना जानते, कोई चीज को ना जानते, ना पहचानते हो कि ये क्या है, ये क्या है, अगर वहां पे आपको छोड़ दिया जाए तो आप भी तो एक बात बोलेंगे, आप भी तो उनका नाम लेंगे कि ये, इसका नाम ये रख दिया जाए, इसका नाम ये रख दिया जाए। तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से उस समय अरस्तु ने उस समय अपनी आवश्यकता के हिसाब से क्या किया, वर्गीकरण कर दिए, ठीक है, ठीक है। कविता पटेल, ठीक है बेटा, डिजिटल डायग्राम से, तो कल से पीपीटी बन जाएगी, ठीक है बेटा, कल से हम लोग डिजिटल डायग्राम से ही पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी बात हम सुन लिए, ठीक है, कल से बेटा, ठीक है, कल से डिजिटल होगा, ओके, हाँ ठीक है, अब कमेंट मत करो, अब बताओ, ठीक है, ठीक, ओके। तो यहां पे देखिए अरस्तु ने पहली बार क्या किया कि वर्गीकरण किए, क्योंकि अब देखिए अरस्तु क्या है, बायोलॉजी के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी है और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों माना जाता है, यानी जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक दोनों को माना जाता है, दोनों को माना जाता है। अरस्तु जो थे, अरिस्टोटल, वो क्या थे, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी थे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अरस्तु ने उस समय एकदम सरल भाषा में तीन कैटेगरी में उन्होंने बांट दिया था। कितने कैटेगरी बेटा, जल्दी से बताओ, कितने कैटेगरी में उन्होंने बांटा, तो उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर, एक बार समझ लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई पूछे कि अरस्तु ने किस आधार पर पौधों को बांटा था, तो कौन सा आधार हो जाएगा, कौन सा आधार होगा, कहां, आकार की लक्षणों के आधार पर बेटा, किसके आधार पर, आकार की लक्षणों के आधार पर उन्होंने डिवाइड किया था। ये नीट का क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन देखो बहुत है सिंपल, आपको लगता बहुत है सिंपल, लेकिन ये बहुत होता है टफ, क्योंकि अभी ये बात आपको फोकस ना कराता मैं, तो आप भी पढ़ते हुए फ्लो में चले जाते, लेकिन जैसे क्वेश्चन आता फंस जाते, ठीक है ना। चलिए तो कह रहा है कि जो पौधे के आकार की लक्षण के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में विभाजित किए थे, किस में, वृक्ष,
पौधों के कितने भागों में? वृक्ष में, ठीक है, बड़े बड़े वृक्षों में, झाड़ी में, ठीक है ना, झाड़ियों में और शाख में, ठीक है ना। पौधों को तीन भागों में इन्होंने उनके आकार की मतलब उनके मॉर्फोलॉजी उनको देख करके, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी आंखों से इसे देख करके उन्होंने बांट दिए थे, ठीक है। वृक्ष वाले बताओ भैया बहुत बड़े 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 होते हैं, उनके आकार जो है उसमें लकड़ियां वगैरह होती है, ऐसे देखो सिंपल। और झाड़ियों के देखें कि छोटे छोटे हैं, उनमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत ऐसे देखते हैं आप लोग झाड़ियां हमेशा दिखते हैं, ठीक है। शाख मतलब ऐसे पौधे जो बहुत कोमल होते हैं, उनके आकार की ही तो देखे थे, ठीक है ना, उनके आकार ही तो देखे थे बेटा। तो कह रहा है कि जो पौधे होते हैं, पौधों को उनके आकारिकी के हिसाब से, आकारिकी के हिसाब से वृक्ष, झाड़ी और शाखा में बांट दिए, शाख, ठीक है। जबकि उन्होंने प्राणियों को किस आधार पर बांटे? प्राणियों को उन्होंने लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से बांटे, ठीक है। तो उन्होंने दो बात अब कहा कि पौधों को तो उन्होंने क्या किस पे बांट दिया, उनके आकार की पे, जंतुओं के उन पे आरबीसी के उपस्थिति, अब्सेंस, ठीक है, अब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पर बांट दिए। कहा कि बहुत सारे जंतु हैं, उसको कट करने पे उनमें जो है खून निकलता है, ठीक है ना, यही सोचे होंगे कि आरबीसी रक्त निकलता है और कुछ को काटते हैं तो रक्त नहीं निकलता है, एकदम सिंपल बात ना। जैसे अगर हम देखें कि अगर आप देखें काकरोच को लेकर काटो तो क्या खून निकलता है? नहीं निकलता है ना। तो उन्होंने देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जिसको काटने पे ब्लड, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल निकलता है, कुछ को काटते हैं नहीं निकलता है। तो दो उन्होंने जंतु को दो भागों में बांट दिए, आरबीसी प्रेजेंस एंड अब्सेंस के आधार पर उन्होंने बांट दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहां पे क्वेश्चन इतना ही आपको देखना है, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा बेटा ना, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आपको फोकस करना है कि सर्वप्रथम किसने वर्गीकरण किया, तो अरस्तू या अरिस्टोटल ने, ठीक है, जो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं, ठीक है। अबाउट इट के इनके बारे में ज्यादा यहां पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए यहां पे फिर अगला है कि लिनियस, कैरोलस लिनियस के काल में सभी पादपों प्राणियों को वर्गीकरण के लिए एक द्वि जगत पद्धति विकसित की, यानी कैरोलस लिनियस साहब ने सभी जीवों को बांटने के लिए द्वि नाम पद्धति या द्वि पद नाम पद्धति, ठीक है, बाई नामे नेचर एक ला करके उन्होंने खड़ा किया। किसने? कैरोलस लिनियस ने, जिन्होंने उन्होंने क्रमशः प्लांटी जगत यानी पौधे को और एनिमिलिया यानी प्राणी जगत को वर्गीकरण किया या वर्गीकृत किया। जब उन्होंने दो नाम पद्धति दिया तो उन्होंने क्या किया कि एक तो प्लांटी जगत और दूसरा एनिमिलिया ने किसमें प्राणी जगत में वर्गीकृत किया। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक और आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक एक कोश की एवं बहु कोश की तथा प्रकाश संश्लेषी यानी हरित शैवाल अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। कहा गया कि जब पौधा जंतु को अलग किया गया तो उसके हम हाई लेवल को तो ऐसे देख करके समझ जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें शैवालों की, बात करें काई की, बात करें, ठीक है, अगर हम कहें मशरूम की बात करें या उसकी कवक की बात करें, कवक में आने वाले पौधों की बात करें, तो आप बताइए कि हम उसको किस आधार पर बांटेंगे, उसको पौधा कहेंगे कि जंतु कहेंगे, क्या कहेंगे। तो इस पर भी फोकस उस समय नहीं दिया गया, बाद में इनको भी जो कहे कि प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं, जो अप्रकाशी होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया ले लीजिए प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो ये आधार पे नहीं बांटा गया था।
ठीक है, विभेद संभव नहीं था कि कैसे किया है। पादप प्राणियों के आधार पर, ठीक है, प्राणियों पर आधारित एक वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझने के बाद बहुत से जीवधारी को इसमें किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। अर्थात जब हम इसको देखें तो ये एक अत्यंत कठिन कार्य हो गया था कि किसको किसमें रखा जाए, ठीक है ना, किसको किसमें रखा जाए। फिर आगे चल करके, ठीक है, आगे चल करके हम लोग इन लक्षणों को समझें। तो देखिए कह रहा है कि था इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसीलिए किसको किस जीव को किस में रखा जाए, पौधों में जाए, एक प्रोकैरियोटिक को, यूकैरियोटिक को, यूनिसेलुलर को, मल्टीसेलुलर को, एक कोशिकी को, बहुकोशिकी को, और फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस, तो बहुत सारी इसमें बात थी कि किसको किस में रखा जाए, ठीक है, प्लांटी में रखा जाए कि एनिमल में रखा जाए। तो ये बात काफी दिनों तक चली आई, इसलिए दो नाम पद्धति काफी दिनों तक पेंडिंग रहा, ठीक है ना, हाँ, इम्पॉसिबल हो गया था, अर्थात पेंडिंग का काम कर रहा था। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोश की संरचना, कोश की भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास प्रजनन की विधि या एवं विकासी संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जैसे ही आगे बढ़े तो ये कहा गया कि उनके आकार को ही देख करके हम उनमें अंतर नहीं कर सकते हैं, कैटेगराइज नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं, बल्कि उनके कोश की स्ट्रक्चर को भी देखा जाए, उनके कोश की संरचना को देखा जाए, उनके पोषण को देखा जाए, उनके आवास को देखा जाए, वो कहां पे रहते हैं, कहां नहीं रहते हैं। जैसे अगर कहे पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले, है ना, तो कह रहा है कि अतः समय के साथ साथ सजीवों का वर्गीकरण द्विनाम पद्धति में परिवर्तन आया। तब परिवर्तन आया, पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण इन कठिनाई को पद्धतियों से समाहित हुई थी और समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल थे और सदा ही समिष्टि के रहा हुआ है, ठीक है ना। तो आगे चलिए, अब अनेक वैज्ञानिक ने अपना अपना योगदान दिया। पहला देखिए योगदान, आर एच विकेटर को कौन नहीं जानता है जिन्होंने पांच जगत का वर्गीकरण प्रस्तुत की, ठीक है ना। आर एच विकेटर ने पांच जगत का वर्गीकरण बताया। देखिए उन्होंने एक बात बताई कि ये सारा द्विनाम पद्धति जो आया, ठीक है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कैसे इसको किस में रखा जाए, किस में न रखा जाए। जब वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो गया कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, तो बहुत सारे जीवों की खोज हो चुकी थी। जब बहुत सारे जीव आ गए थे तो कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि उनका कोशिकी संरचना अलग अलग था, उनके पोषण का पोषण भी अलग था, उनके हैबिटेट भी अलग था, उनका हैबिट भी अलग था। हैबिटेट माने वास स्थान और हैबिट माने उनका स्वभाव। तो जीवों का सारा स्वभाव, सब गुण धर्म सब अलग हो चुका था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, कठिनाई उत्पन्न हो गई। जब कठिनाई उत्पन्न हुई तो जानते हैं कोई न कोई आता है और उस कठिनाई को दूर करता है। तो आर एच विकेटर महोदय ने इनको सभी जीवों को, पेड़ पौधों और एक कोश की मल्टीसेलर, बहुकोश की और यूनिसेलर, एक कोश की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सबको देखते हुए, यानी सेल स्ट्रक्चर को देखते हुए और उनके फंक्शन को देखते हुए, और तो उन्होंने क्या किया, पांच जगत बताया। कितने जगत, ठीक है, पांच जगत उन्होंने दिया, ठीक है। 1969 में उन्होंने, आर एच विकेटन ने पांच जगत का वर्गीकरण किया। किसका भैया, पांच जगत, यानी सभी जीवों को, पेड़ पौधों को, एक कोशिकी को, बहुकोशिकी को, प्रोकैरियोटिक को, यूकैरियोटिक को, सभी को उन्होंने पांच जगत में डिवाइड कर दिया। कितने जगत में बेटा, पांच जगत में डिवाइड कर दिया, ठीक है, पांच जगत वर्गीकरण दिए, ठीक है ना, के द्वारा पांच जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की गई। अब इसमें देखिए पांच जगत कौन कौन से हैं, ठीक है, पहला है मोनेरा। यहां पे ध्यान देना बेटा, सभी लोग आंखों से देख करके ध्यान दो यहां पे, मोनेरा, ये देखिए पहला जगत इन्होंने कहा,
ठीक है, मोनेरा किंगडम, किंगडम माने जगत। तो यहां पे बताया गया कि मोनेरा, तो मोनेरा में इन्होंने बताया कि मोनेरा किंगडम में इनके अंतर्गत ऐसे जीव रखे जाएं जो प्रोकैरियोटिक वाला हो, अर्थात जिसमें केंद्रक आवरण अब्सेंस हो और बहुत सारे कोशिकांग भी अनुपस्थित हो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक रखा, अभी मोनेरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी चिंता ना करो। तो मोनेरा में कहा गया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा जाए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है? तो बताया गया बैक्टीरिया को छोड़ करके कोई नहीं है। तो सभी जीवाणु मोनेरा में रखे गए हैं। अगर हम जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में, तो हम लोग मोनेरा मोनेरा को खोलते हैं, अर्थात मोनेरा जगत को पढ़ते हैं। तो कभी भी आप मोनेरा जगत की कॉपी लीजिए या सॉरी बुक लीजिए, तो आपको सिर्फ सिर्फ दुनिया के जो बैक्टीरिया है उनके बिहेवियर कैसे हैं, क्यों हैं, कैसे, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जाकर के मोनेरा जगत का एक बुक ले लीजिए और आराम से पढ़िए, ठीक है ना। मोनेरा क्या है सर? मोनेरा एक ग्रुप का नाम है बेटा, एक कैटेगरी का नाम है। उसके अंतर्गत बहुत सारे जो है बैक्टीरिया को रखा गया है, ठीक है ना, जैसे क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी टिटनेस वाला, ठीक है ना। हाँ, कैटेगरी का नाम है बेटा, जैसे मनुष्य, तो कोई मनुष्य है, मनुष्य एक समूह का नाम है ना, तो सभी तो मनुष्य उसमें फलाने ढिकाने हम तुम एक बहुत सारे जो आते हैं राम रहीम हरे सब तो आते हैं, ठीक है ना। हाँ, बैक्टीरियोलॉजी, हाँ यू बी गर्ल, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। थोड़ा ठहरो फिर आगे चलते हैं, बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया का अध्ययन, उसके आवरण कैसे कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं कौन से नहीं करते, सब कुछ पता होगा। प्रो मतलब प्राचीन, मतलब प्रो माने फर्स्ट यानी पहली बार, ठीक है, हाँ जो पहली बार आए, प्रो कैरियोटिक, प्रो माने प्रथम, कैरियोट माने सेल, जो जीवन की पहली सेल थी उसे प्रो कैरियोट कहते हैं। ओके, तो देखिए यहां पे आ रहा है पहला नंबर आ रहा है मोनेरा। तो मोनेरा में हम लोग किसको पढ़ेंगे बेटा? हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया रे भैया, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के हिंदी नाम है जीवाणु रे भैया, जीवाणु, और जीवाणु से होने वाला जैसे टीबी, ठीक है, टीबी टीबी ट्यूबरकुलोसिस, और क्या होता है, और क्या होता है, टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी, बर्थेला टाइफोसा, बैक्टीरिया पर्टिकुलर है, ठीक है, जो टाइफाइड वगैरह करता है। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, बहुत सारे रोग हैं जो किससे होता है, हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया कुछ लाभदायक भी हैं, जैसे हानिकारक है तो कुछ लाभदायक भी है। जैसे कहता है लाभदायक में, जैसे दूध में पाए जाने वाला बैक्टीरिया लैक्टो ना, लैक्टोबैसिलस ना, तो बेटा वो हमारे लिए लाभदायक, तो कुछ लाभदायक है कुछ हानिकारक है। बेकरी में उपयोग करते हैं, ठीक है, दूध से दही बनाने में चीज, अर्थात पनीर बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, दूसरा है प्रोटिस्टा, दूसरा कैटेगरी का नाम उन्होंने बताया प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। तो उन्होंने कहा कि इस समूह अर्थात इस कैटेगरी में ऐसे प्राणी रखे जाएंगे जो यूनिसेलर हो, जैसे इसमें इन्होंने कहा यूनिसेलर, इसमें भी यूनिसेलर, एक कोष की दोनों में है, लेकिन मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, ठीक है ना, दोनों में एक कोष की है, ऐसे बनने ना। मोनेरा भी एक कोष की प्राणियों को रखा गया, और दूसरा प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा किंगडम में भी एक कोष की यूनिसेलर प्राणी को रखा गया, लेकिन वो यूकैरियोटिक था, बस समझ रहे ना, यूकैरियोटिक। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे आते जैसे यूग्लेना, पैरामीशियम और अमीबा, तो इसी में रखेंगे प्रोटिस्टा में। फंजाई, फंगस, कवक, कवक जगत, ठीक है ना, कवक एक ग्रुप का नाम है कि फंगस एक ग्रुप का नाम है, उसके अंतर्गत बहुत सारे पर्टिकुलर नॉमिनेटेड है, यानी कवक जो है यानी फंगस, फंगस एक ग्रुप का नाम, फंगस किंगडम, ठीक है ना, फंगस किंगडम, फंगस किंग, जैसे जंतु जगत, तो जंतु बहुत सारे, पेड़ जगत है ना, यानी क्या कहेंगे,
पौधे जगत, तो पौधा वाला पौधा तो कोई पर्टिकुलर नहीं है, उसका नाम है। तो इसी तरह ये है फैंगस, तो फैंगस में बताया गया कि ये एक समूह का नाम है और इसके अंतर्गत बहुत सारे है आते हैं जो फैंगस होते हैं, ठीक है ना। और ये फैंगस से, फैंगस से स्टार्ट होता है, फैंगस बताएगा ये होते हैं यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। अब यहां पे बहुकोशिकी यहीं से चालू होता चला जाएगा, यहां पे हो जाएगा बहुकोशिकी, ठीक है। लेकिन इसमें ईस्ट, ईस्ट माने खमीर अपवाद है जो एक कोश की कवक होता है, ठीक है ना। हाँ कुकुरमुत्ता, ठीक है बेटा, कुकुरमुत्ता जैसे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नाम ले लो कुकुरमुत्ता यानी मशरूम। तो मशरूम किसमें आता है, फंगस होता है, कवक होता है ना। जैसे रोटी वोटी में, ब्रेड व्रेड में सफेद सफेद आ जाता है, चमड़े उमड़े में आ जाता है, जो क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, भुकड़ी लगना, भुकड़ी भुकड़ी। अब आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या बोलते हैं जल्दी से मुंह बता दो, थोड़ा हम भी सीख लें क्या बोलते तुम्हारी तरफ। अच्छा मेरे पास है, क्या क्या तुम्हारे पास है, खमीर, खमीर, हाँ ईस्ट माने खमीर होता है। क्या होता है बेटा जल्दी से बताओ तुम लोग, हाँ इसी टाइम क्लास होता है बेटा, अच्छा फफूंद, फफूंद के नाम से, भुवरी, ठीक है। अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम से जाना जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो लग जाता है, मैंने कहा कि जैसे रोटी होता है, ब्रेड होता है, उसको भिगो करके ऐसे रख दो तो दो तीन दिन बाद उसमें व्हाइट व्हाइट है, जैसे अचार उचार का है ना, खटाई वटाई अचार उचार, तो खटाई अचार में भी व्हाइट व्हाइट लग जाता है, भुवरी सर, हाँ ठीक है ठीक है, भुवरी जो भी है, ठीक है ना। अलग अलग देखिए लोकल नाम होता है, लोकल नाम में अलग अलग लोग बोलते हैं अलग अलग भाषा में, लेकिन जो नाम होता है, ठीक है, जो मेन नाम होता है आपको समझना होगा, ठीक है, कि उसको हम लोग सही तरीके से पढ़ने वाला क्या नाम होता है जिससे हम लोग हर लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले, तो यहां पे देखिए कह रहा है फैंगस अर्थात जो है इसके अंतर्गत ईस्ट यानी खमीर आता है, खमीर भी हमारे काफी रोल निभाता है पनीर वनीर बनाने में, ठीक है ना। और खमीर का रोल होता है उसमें बनाने में, क्या नाम है, सिरका बनाने में, तो बहुत सारा रोल है इनका। प्लांटी, ठीक है, चौथा नंबर प्लांटी यानी पौधे जगत, ठीक है ना, पौधे के जगत को यहां पे रखा गया, किसको, पौधों को। तो बताया गया ऐसे जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे प्लांटी में रखा गया। फिर बताया गया एनिमेलिया, पांचवा नंबर एनिमेलिया, तो कहा कि ऐसे प्राणी जो मल्टीसेलुलर और अर्थात बहुत सारे जटिल अंगों या अंग तंत्र वाले होते हैं उसे एनिमेलिया कहते हैं, और ये परपोषी होते, स्वपोषी नहीं होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये पांच जगत उन्होंने दिया, कह रहे कोशिकी संरचना किस बेस पर, कोशिकी संरचना और शारीरिक संरचना और पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन की और जात वृत्ति संबंध, उनके वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा हमेशा, मैं तो क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो इसी तरह बनाऊंगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, कि आरएच विकेटर ने पांच जगत तो दिया, तो दिया, चलो ठीक है, पूरे संसार के जीवों को उन्होंने पांच संसार में बांट दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन किस आधार पर उन्होंने बांटा था ये जरूरी है, ठीक है ना। ये बात आप समझ लीजिए, जैसे भारत पाकिस्तान बटा तो उसका कोई बेस होगा, कुछ आधार होगा, ऐसा नहीं अलग अलग देश बटता है, राज्य बटता है तो उसका कुछ ना कुछ आधार होता है, यहाँ पे घर बटता है, ठीक है ना, दो दो भाइयों में लड़ाई होती तब पर भी बटता है, तो उसका बेस कौन होता है, उसका आधार कौन होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन होता है, ठीक है ना। चलिए
यहां पे देखिएगे तो इसके अधीन यहां पे कहां पे कोष की संरचना, शारीरिक संरचना उसको देखने पे बाहरी कोष की स्ट्रक्चर, पोषण की प्रक्रिया, भोजन लेने ना लेने, बनाने या ना बनने की प्रक्रिया, प्रजनन रिप्रोडक्शन कैसे कैसे वो रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, और जाति वृत्ति संबंध, एक जाति से दूसरे जाति वृत्ति संबंध के आधार पर इनको इनके प्रमुख मापदंड थे अर्थात इन्होंने बांट दिया था। तो कहे अब हम पांच जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों धारा विचार और वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है इससे पहले वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल और फंगस, मास फन, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को पादप के साथ रखा गया था। कह रहा है कि इससे पहले जब ये विचार चल रहा था, जब पांच जगत नहीं आए थे तो उससे पहले क्या था कि बैक्टीरिया, शैवाल, फंगस, मास फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पौधा माना जाता है, यानी बैक्टीरिया को भी पौधा मान रहे थे, ठीक है ना, और शैवाल काई, चलो काई के तो पौधा मान लो, ठीक है, स्वपोषी होता है, कुछ उसमें पौधों की कैटेगरी में मिल जाता है। आप भी देखो फंजाई, मशरूम, ठीक है, ये परपोषी होता है, मृतोपजीवी होता है, सहजीवी होता है, मतलब ये अपना भोजन नहीं बना पाता, पौधा की तरह तो होता है लेकिन अपना भोजन नहीं बना पाता है, इनको भी पौधा मान लिया गया, तो ये भी तो बहुत बड़ी गलती है ना, ठीक है, तो ये भी गलती थी, अब बैक्टीरिया भी गलत था, चलो ये सही था। तो बताया इससे पहले बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल और फंगस, मास फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पौधा में रखा गया। इस जगत के समस्त जीवों के कोशिका की कोशिका भित्ति उपस्थित या एक समान थी, जबकि उनके एक लक्षण दूसरे लक्षण से अलग थे, ठीक है ना। कह रहे ये कोश की संरचना तो चलो सेम था, कोश की संरचना तो कोश की संरचना सेम था, लेकिन क्या गया, इनके जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से अलग थे, एक दूसरे से लक्षण अलग थे। जीवन की तीन अनुच्छेद पद्धति प्रचलित की गई थी जिसमें मुनेरा जगत को दो अनुच्छेत्रों में वर्गीकृत किया गया तथा यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुच्छेत्र में रखा गया, ठीक है ना, यानी क्या एक मुनेरा जगत को दो भागों में और इसके बाद आया यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक को दो भागों में और यूकैरियोटिक को तीन भागों में, तीसरा आया एक खष्टम जगत यानी छह जगत वाला ये प्रस्तावित किया गया। आप इस पद्धति के विषय में आगे पढ़ेंगे, मतलब कि आपके ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ये है पांच जगत, ये है पांच जगत, देखिए सभी लोग ये पांच जगत को ध्यान से देखिए। कह रहा लक्षण मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया। अब ये बात को आपको समझिए, ये जो हमने बताया कि किस किस आधार पर इन्होंने किस बेस पर किस आधार पर इन्होंने बांटा, तो देखिए कह रहे कोश की आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर, केंद्रक झिल्ली, काय, ठीक है, यानी उसकी शारीरिक पोषण के आधार पर और प्रजनन के आधार पर ही हमने बताया कि इनका जो मेन मोटो था, जो मेन ध्येय था वो कोश की संरचना के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, ठीक है, और पोषण के आधार पर, प्रजनन के आधार पर उन्होंने बांट दिया था। तो देखिए सबको कंपेयर करके इसमें हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ये बतिया समझ में आ रही ना सब लोगों को कि किसी को हम जीव को देखते हैं तो उसके बाह्य आकार की भी देखते हैं, उसकी कोश की संरचना भी देखते हैं, तो कह रहा भित्ति है नहीं है कैसे, उसका बॉडी कैसे, पोषण कैसे लेता है या प्रजनन कैसे करता है, तो ये सारी बात हम अब हम लोग सब में इसमें कंपेयर करें। देखिए जब कोशिका का प्रकार, कोशिकी की संरचना देखते हैं तो मुनेरा में प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, मुनेरा में प्रोकैरियोटिक, अब सभी में सेम यूकैरियोटिक देखो, है ना, ये आया ना एक अलग कहानी, ये आया बेटा ना अलग कहानी। मुनेरा में यहां पे फोकस करिए, ये है मुनेरा, ये प्रोटिस्टा, ये फंगस, ये प्लांटी, ये एनिमिलिया, ठीक है, ऐसे समझ, ठीक। यहां पे देखते हैं कि हम लोग इसको समझेंगे कैसे, मुनेरा में
प्रोकैरियोटिक कोष की है और से सभी यूकैरियोटिक वाले, देखो यूकैरियोटिक 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 अर्थात मोनेरा के प्रोकैरियोटिक वाला है से सभी को जो चार जगत है वो है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो भैया ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे, तो देखिए कोशिका भित्ति, अब कह रहे सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है ठीक है, कोशिका भित्ति के आधार पर इन्होंने क्या देखा मुनेरा प्रोटिस्टा फैंगस में, तो कह रहा है कि कोशिका भित्ति जो मुनेरा वाली है सेलुलोज सहित बहुसैकराइड और एमिनो एसिड पॉलीसैकराइड पॉलीसैकराइड प्लस एमिनो अम्ल से बनी होती है। तो कह रहा है प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती कुछ में अनुपस्थित होती, कुछ कुछ में होती है कुछ कुछ में नहीं होती है ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सेलुलोज और पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से कोशिका भित्तिनी सेल वाल बनी होती, क्या सेल वाल बनी होती है। यहाँ पे बताया गया फैंगस में, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे प्रेजेंस होती है प्लस इसमें सेलुलोज प्लस काइटीन की बनी होती, कहे कि सेलुलोज प्लस काइटीन के, यहाँ पे सेलुलोज सहित पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड की बनी होती है ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड की बनी होती है। यहाँ पे देखिए जो हमारा फंगस है यानी कवक वाला है मशरूम है उसमें कहे के बना होता है सेलुलोज काइटीन, सेलुलोज काइटीन। अब देखिए प्लांटी में आ जाएंगे सीधा सीधा बताए सेलुलोज की, तो यहाँ पे बेटा तीन बात है तीन चीज है, हम लोग हरे भरे पेड़ पौधों में देखते हैं, हरे भरे पेड़ पौधों में देखते हैं तो सेलुलोज बोल दीजिए ठीक है सेलुलोज, अगर हम लोग मशरूम मशरूम में चलते हैं तो वहां पे काइटिन प्लस सेलुलोज बोल दीजिए, और बैक्टीरिया में चलते हैं तो बस सेलुलोज पॉलीसैकेराइड एमिनो एसिड, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है आपको, सेलुलोज जो है आपको नहीं याद करना है बस। अच्छा सेलुलोज कंफ्यूज कर रहा है मुझे पता है बेटा, कंफ्यूज कंफ्यूज नहीं होगा, तीन तो बतिया है ना, तीन बात है, तीन बात को लिखते चलो मैं आपको सिखा देता हूं कैसे कभी नहीं कंफ्यूजन होगी। ठीक है सुनिए आगे देखिए, यहां पे देखिए तीन बात कैसे याद करना है अभी आपको, जैसे हमने कहा कि पहला जीव कौन था प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आया था, पहला जीव एक कोश की बैक्टीरिया आया उसमें सेलुलोज पाया जाता है, वो भित्ति पाई जाती है सेलवाल, तो उस सेलवाल कहे की बनी होती है, तो पहले जब आएगा तो बहुत सारा ढेर सारा रहेगा यानी सेलुलोज पॉलीसैकेराइड एमिनो एसिड। अब आगे आएंगे दूसरे में सेलवाल पाई जाती है यानी कोश का भित्ति पाई जाती कौन से जगत में, तो हम लोग दूसरे जगत में आएंगे फंगस जगत में, उसमें भी पाई जाती है, तो पहले तीन था अब दो है फिर एक है, तीन दो एक तीन दो एक तीन में पाया जाता है, तीन तीन में पाया जाता है तीन दो एक ऐसे चलेंगे ठीक है ना, तीन दो एक तीन यहां था यानी पहले जो एक कोश की था, एक कोश की कौन सा है, एक कोश की कौन सा है वो है प्रोकैरियोटिक, तीन है उसमें सेलुलोज और पॉलीसैकेराइड एमिनो एसिड। अब फंगस में आज मल्टीसेलुलर है बहुकोशिकीय है उसमें दो है काइटिन सेलुलोज सेलुलोज काइटिन सेलुलोज काइटिन समझ रहे। अब हम तीसरे में आते हैं प्लांटी में पौधे में सेलुलोज, तो सेलुलोज तीनों में ऐसे ऐड कर लेंगे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं एकदम सिंपल है एकदम तरीके से पढ़ो समझ में आ जाए। तीन में पाया जाता है सेलुलोज तीन जगत में और तीन में तीन प्रकार का होता है, तीनों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा कंफ्यूज दूर हुआ ना, चलो और देखिए इसमें कहता है एनिमल्स में तो अनुपस्थित ही होता है भैया ठीक है ना। अब यहां पे देखिए कह रहा कि केंद्रक न्यूक्लियर मिम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मिम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस के जो कोशिका होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं ठीक है। हाँ साहिल क्यों कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है बेटा चलिए
तो बेटा देखिए, किसी भी सेल में, किसी भी सेल में यहां पे देखिए केंद्रक होता है, पहले ऐसे समझो किसी भी सेल के अंदर केंद्रक होता है। तो देखिए किसमें होता है किसमें नहीं होता, तो बताया गया कि सभी में केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा पांच जगत में तुमको क्या कंफ्यूजन का भैया? ओ भैया भाई साहब, चलिए बताना भैया क्या बेटा, फिर से क्या, जल्दी से बोलो जल्दी से। सोनी सिंह क्या पूछे, फिर से बोलो ना। कमेंट करके जल्दी से बता दिया करो क्या क्या कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तुरंत बोला करो ना कि ये कंफ्यूजन है, उसका नाम भी लिखा करो ना तुम। मिलेगा नोट्स मिलेगा, याद नहीं हो रहा, याद करने के लिए बेटा सिर्फ चार्ट बनाओ, ये चार्ट बना लो याद हो जाएगा एकदम से, ठीक है। हाँ मैं याद करा दूंगा, पक्का याद करा दूंगा, ठीक है। अच्छा तीन जगत वाला, हाँ करा देंगे, पहले आगे देखिए, आगे देखिए फिर इसके बाद कराते हैं। तो देखिए बेटा यहां पे किसी भी कोशिका के अंदर एक छोटा सा गोला होता है, ठीक है ना, हम बहुत प्यार से समझते हैं, देखो एकदम एकदम अपने भाषा में, जैसे एक बल्टी ले लो, ठीक है, बल्टी तो सबके पास है ना, एक बल्टी ले लो और बल्टी के अंदर, ये बल्टी ले लिया भैया, चलो बाल्टी 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 ले लिया, बाल्टी ले लिया उसमें पानी भर दिए, ठीक है भैया, और पानी के अंदर हम लोग एक गोला यानी गेंद डाल दिए, ठीक है ना, ये बात समझो। अब देखो गेंद के अंदर भी पानी हम लोग इसमें डाल दिए सुई से छेद उद करके, ठीक है, एक बात समझो। अब हम बाल्टी के पूरे आवरण को हम लोग कोशिका आवरण समझेंगे, पानी को दूसरा यानी इसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट समझेंगे, और जो ये गोला घूम रहा है इसके अंदर पानी के, ये हम केंद्रक, तो सेल में ऐसे ही हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। इसका डिटेल और तकनीकी से समझने के लिए जब हम कोशिका पढ़ाएंगे तो आपको एकदम याद करा देंगे कि सर ऐसे ऐसे, ठीक है, चाहे जो ले लो, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसके ऊपर, इसके ऊपर जैसे गेंद के ऊपर एक आवरण होता है, बीच में खाली होता है उसमें पानी भरा, तो इसके ऊपर भी आवरण है, उसे हम लोग केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कहता किसी सेल के किसी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है किसी में उपस्थित होता है किसी में अनुपस्थित होता है, तो कैसे, तो कहता है कि मोनेरा वाले में अनुपस्थित होता है, समझ रहे ना, मोनेरा वाले में क्या होता है बेटा, अनुपस्थित होता है, अर्थात उसमें जब आवरण नहीं रहेगा तो इसके अंदर केंद्रक के जो डीएनए होने होगा ये यहीं पे बिखर करके बाहर आ जाएगा, है ना, समझ रहे ना। तो ऐसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, सब में उपस्थित है, से सभी में उपस्थित केंद्रक आवरण यानी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है तो सभी यूकैरियोटिक होता है, ओके, बहुत सिंपल है। काय संरचना, उसका कोशिकी काय यानी उसका शरीर कैसे है, ठीक है ना, अर्थात वो कैसे बना, तो कोशिकी यानी सेल की तरह, ये यूनिसेलर है ना, यानी सेल से उनका बॉडी यानी शरीर बना है। फिर देखो प्रोटिस्टा, ये भी कोशिकी होता है, एक कोशिकी होता है, उनका पूरा बॉडी सिर्फ कोशिका ही होता है, समझे हो। और कह रहा है कि बहुकोशिकी और अदृश्य ऊतक, इनका भी शरीर जो है फंगस का बहुकोशिकी, बहुत सारे कोशिकाओं का समूह मिलकर के इकट्ठा काम करते हैं, या तो अदृश्य ऊतक बहुत सारे सेल एक लेयरिंग में काम करते हैं, तो सिंपल यहां पे आ गया। अब देखिए यहां पे प्लांटी, प्लांटी में कह रहा है कि ऊतक बहुत सारे सेलों का समूह, एक चादर बना ली, चादर काम करने नहीं, ऊतक अंग अंग तंत्र, बहुत सारे अंग और बहुत सारे अंग एक दूसरे से सहयोग करके ही काम करते हैं, ये सेल में पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा।
और ऊतक में पढ़ेंगे तब मजा आएगा। बहुत दैनिक जीवन है भैया, एकदम दैनिक जीवन है। कैसे हम लोग सोचे कि एक कोष की हुआ, फिर बहु कोष की, फिर कैसे कैसे बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, कैसे काम किए कि अलग अलग अंग अलग अलग काम करने लगे, फिर ये भी ऊतक अंग तंत्र हो गए। ठीक है, पोषण की विधि, यदि मोनेरा यदि बैक्टीरिया वगैरह पोषण कैसे लेते हैं, तो कहते कुछ स्वपोषी रासायनिक संश्लेषी होते हैं, कुछ केमिकल को मिट्टियों में पाए जाने वाले कार्बनिक अकार्बनिक या अन्य जीवों में हमारे बॉडी में सजीव में निर्जीव में पाए जाने वाले केमिकल को खा करके अपना काम चला लेते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ जो होते हैं धूप में यानी प्रकाश की उपस्थिति में भी अपना भोजन लेते, कुछ परपोषी होते हैं मृतोपजीवी, कुछ हम कुछ जीव ऐसे होते हैं मरे सड़े गले पदार्थों को खाते, जैसे हम लोग जीव जंतु हम मर जाते तो सड़ती है, तो क्यों सड़ती है, यही सब जाके अटैक करते हैं एयर में रहते हैं, उनको सड़ा उड़ा करके खाने लगते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे होते हैं ये, बहुत दुष्ट होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, रासायनिक केमिकल भी खाते हैं, प्रकाश से भी लेते हैं और मर उड़ जाता है जो जीव उसको भी क्षय करते हैं और उनसे पोषण लेते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा कह रहा है स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी और परपोषी होता है, जो ये होते हैं ये स्वपोषी प्रकाश से अपना भोजन लेते हैं और कुछ परपोषी कुछ दूसरों पर भी जीवन आश्रित करते हैं, कुछ दूसरे से भी लेकर के जीते। फैंगस में बताया परपोषी मृत्योपजीवी होते हैं, ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये दूसरे से ही भोजन लेते हैं। ठीक है, प्लांटी में क्या है स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी होता है और एनिमिलिया में परपोषी प्राणी संभोजी मृतोपजीवी होता है, यानी प्राणियों को खाने वाला होता है। ठीक है, अगला जनन की विधि, इसमें संयुग्मन होता है। ठीक है, इसमें युग्मक संलयन होता है। ठीक है, निषेचन होता है, निषेचन होता है, निषेचन होता है। ठीक है, इसमें सभी में क्या हो जाएगा, ठीक है, निषेचन होगा, इसमें सब में निषेचन, फर्टिलाइजेशन निषेचन उसे कहते हैं, जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होकर के बनता है तो उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। तो बेटा आज की क्लास कैसे लगी, सभी लोग जल्दी से बताइए, सब कुछ ठीक ठाक ये बताइए, सब कुछ समझ में आया, पांच जगत समझ में आया ना बेटा, पांच जगत समझ में आया ना बेटा, जल्दी से बताओ पांच जगत समझ में आया, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा गण में कौन से आते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लासिफिकेशन में उसमें हमने आप क्लासिफिकेशन विजय मौर्य आप क्लासिफिकेशन कराने लगे बेटा। चलिए आज क्लास इतनी ही रहेगी, सभी लोग आप लोग कल आइएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा पूरा बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में, किसकी किस तरह संरचना होती है, कौन कौन से रोग होते हैं, और कल डिजिटल बोर्ड होगा। ठीक है, एक बच्चे लिखे थे कि सर डिजिटल में आप नहीं पढ़ाते, तो कल डिजिटल आएगा और डिजिटल से हम लोग एक एक डायग्राम को सहित समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना सर, संलयन संलयन मतलब फ्यूजन होता है बेटा, फ्यूजन करके। ठीक है ओके, तो चलते हैं, सभी लोग को बाय बाय, गुड इवनिंग और थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ पढ़ें जुड़ें और पढ़ते रहिए, सदा हंसते रहिए, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है बेटा।